नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। पूरा देश अब गौरी लंकेश के नाम से वाकिफ है, लेकिन इसके लिए गौरी लंकेश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जान की कीमत। इसी तरह गुवाहाटी में एक टीवी पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या हुई। बिहार में यही सिलसिला चला, लेकिन क्या हत्या का ये सिलसिला भारत तक ही सीमित है? पूरी दुनिया पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पत्रकारिता बेहद जोखिम भरा पेशा है। हर साल 500 पत्रकारों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि पत्रकार के हत्यारों को सजा मिलने की दर बेहद कम है। उनकी या तो पहचान नहीं होती, या गिरफ्तारी नहीं होती, या फिर वो छूट जाते हैं। वजह साफ है, आमतौर पर समाज के शक्तिशाली लोगों की आंखों में ही पत्रकार किरकिरी की तरह चुभता है और अपने रसूख का इस्तेमाल कर वो गिरफ्तारी से बच जाते हैं। भारत में हाल फिलहाल सिर्फ दो पत्रकारों का मामला ऐसा है जिसमें हत्यारों को सजा हुई, लेकिन उसमें भी एक ने ऊपरी अदालत में अपील कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 2 नवंबर को पत्रकार के हत्यारों को सजा में ढिलाई को खत्म करने के दिवस के तौर पर मनाता है। विशेष में आज हम इन तमाम खतरों पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दो नवंबर को दुनिया भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराध पर दंड मुक्ति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की शपथ ली गई। पत्रकारों के खिलाफ अपराध और दंड मुक्ति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर एक बार फिर अपनी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों से जुड़े षड्यंत्रकारियों को सजा मिलना जरूरी है। इस मौके पर यूरोपीय सुरक्षा सहयोग संगठन ने कहा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के दंड से मुक्ति तमाम देशों, संस्थाओं और सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। On our democratic values and a direct threat to the security of journalists. So nothing can bring them back. We have a moral obligation to them and their loved one to do all we can to shed a light on crimes and properly punish all those responsible. UNESCO के मुताबिक भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों को उजागर करने की वजह से पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। ऐसे मामलों में जान गंवाने वाले पत्रकारों की तादाद युद्ध और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में मरने वालों से ज्यादा है। औसतन हर हफ्ते कम से कम एक पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन हर 10 में से 9 अपराध ही साफ बच निकलते हैं। इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और पत्रकारों पर हमले बढ़ते हैं। अपराधियों को सजा दिलाने और पत्रकारों पर हमले रोकने के लिए 2013 में संयुक्त राष्ट्र के 68वें अधिवेशन में इस तरह के अपराधों में दंड मुक्ति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया गया। The United Nations has declared this as the day to end impunity for crimes against journalists, and I call upon my colleagues to embrace the true spirit of this day. We are troubled when we receive reports, as we have this year in Moldova, of alleged harassment of journalists. We monitor these reports closely and urge the government of Moldova to respond swiftly to all such cases. पत्रकारों के काम करने के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार न सिर्फ अपराधियों और आतंकियों बल्कि सुरक्षा बलों, कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों और तमाम सरकारी एजेंसियों के निशाने पर हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दुनिया भर में पिछले साल सिर्फ एक मामले में सजा सुनाई गई, जो काफी कम है। ऐसे हालात में 2 नवंबर न सिर्फ पत्रकारों का हौसला बढ़ाने का दिन है, बल्कि उन्हें भरोसा दिलाने का मौका है कि दुनिया उनकी परेशानियां समझ रही है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। पत्रकारों पर हमले का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस साल अब तक दुनिया भर में 50 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। विकसित देशों में हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन मध्य पूर्व के मुल्कों में पत्रकारों की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। आइए जानते हैं साल कितने पत्रकारों पर हमले हुए। ये तस्वीरें माल्टा की हैं, जहां पत्रकार की हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। डाफने करुआना गलीजिया
माल्टा की बेहतरीन खोजी पत्रकारों में शुमार थीं, जिन्होंने अपने ब्लॉग्स के जरिए कई घोटालों का पर्दाफाश किया। गलीजिया की पत्रकारिता ने माल्टा के राजनीतिक गलियारों की नींद उड़ा दी। वो कई लोगों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी और आखिरकार कार में बम रख गलीजिया को उड़ा दिया गया। माल्टा में लोग इसे मीडिया की आजादी पर हमला मान रहे हैं। Today this is undoubtedly a dark and sad day for Malta. In my lifetime it's definitely the saddest day that I've lived. As a Maltese citizen, I think Daphne was not only a journalist and an absolutely fearless human being, but a fourth pillar of our democracy, and that today's heinous crime was not only against a human being, against a journalist, but against a pillar of everyone's democracy. And I hope that, I know that her life was definitely not for nothing, and I'm sure the torch will be carried by somebody else. Hopefully it'll be carried by everyone here and everyone who would like to be here. And just a round of applause to Daphne's life, and I hope condolences to Matthew and Andrew and Paul and Peter. ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि माल्टा के प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी। But this is for us not simply a murder. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। It's unacceptable, not only in the European Union but anywhere else in the world, and not only a journalist but any human being. But this is for us not simply a murder, not simply a murder of a journalist. It's an attack on what we stand for as a society, and that's why ourselves as a government we have total resolve to spare no expenses, to make sure that all resources are available to our investigators to get all the foreign expertise necessary to get to the bottom of this. Kahani sirf Malta tak simit nahi hai, balki duniya ke har kone mein patrakaron ki jaan khatre mein hai. 5 सितंबर को बंगलुरु में कन्नड़ की जानी मानी पत्रकार गौरी लंकेश को अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया। गौरी लंकेश की हत्या के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन अब तक ना तो हत्यारों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनकी शिनाख्त हो पाई है। Earlier when your child wanted to go to join an army or something, or you know, stunt or something like that, you'd get scared. What would happen to the child, you know, of his safety and her safety? But right now, it seems to be so scary to be a journalist. So what is happening to this country? I don't know, because there was a time when my father P. Lankesh he started Lankesh Patrike in 1975, around that time. And he would bring down governments, he would write about anti-establishment things all the time. He would make mockery of the present government. So that was so much open and healthy. Now it's become a faceless enemy somewhere out there. मेक्सिको में 6 अक्टूबर को फोटो जर्नलिस्ट एडगर डेनियल एक्रेडा को हत्यारों ने गोली मार दी। मेक्सिको में इस हत्या को लेकर काफी आक्रोश है। अब इन तस्वीरों को देखिए। दुनिया में सबसे शांत माने जाने वाले पश्चिमी यूरोप में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। 10 अगस्त को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किम वॉल एक पनडुब्बी में सवार हुई। पनडुब्बी के मालिक पीटर मैटसन का वो साक्षात्कार लेने गई थी, लेकिन पुलिस को उनके शरीर के टुकड़े मिले। स्वीडन के रहने वाली किम वॉल की हत्या पुलिस के लिए आज भी पहेली बनी हुई है। जांच जारी है, लेकिन हत्यारे गिरफ्त में नहीं आए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक और एशिया से लेकर अफ्रीका तक यही कहानी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इस बरस अब तक 52 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा इराक में 7, सीरिया में 6, मेक्सिको में 5, यमन, सोमालिया और रूस में 2-2 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। 32 पत्रकार ऐसे हैं जिनकी हत्या का उद्देश्य मालूम हो चुका है। 12 ऐसे हैं जिनकी हत्या किस वजह से हुई इसका पता अभी तक नहीं चला है। इस बरस पत्रकारों के अलावा 8 मीडिया कर्मियों की भी हत्या हो चुकी है। There is a sense that we need a much more focused, much stronger response to all of these instances of killings. We need to prevent the killings. We can't have more of these. So we need to have much better networks amongst us.
अगर विषय को आधार बनाकर सूची बनाई जाए तो सबसे 17 ऐसे पत्रकारों की हत्या हुई जो युद्ध कवर कर रहे थे। उसके बाद राजनीति कवर करने वाले 16, मानवाधिकार कवर करने वाले 10, भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट करने वाले 8, अपराध पर रिपोर्ट करने वाले 7, संस्कृति पर रिपोर्ट करने वाले 6 पत्रकारों की हत्याएं हुई, जबकि 2-2 खेल पत्रकार और बिजनेस पत्रकारों की भी इस दौरान हत्या हुई। There is only one case in Bombay in J Day's murder. It has reached the stage of trial, and there's one case in Madhya Pradesh apparently where there was a conviction, though that led to the matter being appealed against. But other than these one or two instances, in most cases of attacks or even not just assaults but murder of journalists, there has been no unraveling of those cases. मामला सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान सैकड़ों पत्रकारों को जान से मारने की धमकियां मिली। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पत्रकारों पर खतरे की जो सूची जारी की है, उसमें भारत दुनिया में 19वें नंबर पर है। यानी 180 देशों की सूची में सिर्फ 18 मुल्क ऐसे हैं जहां के पत्रकारों को भारत से ज्यादा हिंसा या धमकियां झेलनी पड़ती हों। मिस्र में पत्रकारों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। तमाम प्रदर्शनों के बावजूद पत्रकारों पर खतरा टला नहीं है। पंचानन मिश्रा के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। खबरें ढूंढकर लोगों तक पहुंचाना हमेशा से ही खतरे भरा काम रहा है। हालांकि भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों में प्रेस की आजादी को लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन हालात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी अच्छे नहीं हैं। प्रेस की आजादी के तमाम दावों और सुरक्षा की तमाम बातों के बावजूद पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त है, लेकिन दुनिया भर में लोकतंत्र के कथित फैलाव के बावजूद प्रेस की आजादी का दायरा लगातार सिमट रहा है। लोगों को पढ़ाया जाता है कि बेझिझक सच लिखना पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है, बेझिझक सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है। कमजोर और जुल्म का शिकार बने लोगों की आवाज बनना पत्रकार का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन सिद्धांतों से समझौता ना कर धर्म और कर्तव्य का पालन करने का रास्ता आसान नहीं है। समय के साथ पत्रकारों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में हर बरस सैकड़ों पत्रकारों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। نحن ممنوعين من مزاولة العمل في عموم العراق وايضا هناك امر الى الجهات العسكريه واشدد العسكريه والمخابرات بمنع مزاولتنا للعمل الصحفي والاستيلاء على كل الاجهزه التي يعود الى شبكه الرداء الاعلاميه। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को के मुताबिक पिछले 10 बरस में दुनिया भर में अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान 800 से ज्यादा पत्रकारों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इस दौरान लाखों पत्रकारों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 10 बरस के दौरान दुनिया भर में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। सिर्फ 2015 में ही दुनिया भर में 115 पत्रकारों की हत्या हुई। इस बीच पत्रकारों को हिरासत, गिरफ्तारी, मारपीट, यात्रा और मानसिक शोषण झेलना पड़ा है। पत्रकारों पर जुर्माना, हाथापाई और कानूनी कार्रवाई आम बात है। महिला पत्रकारों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। हिंसा पीड़ित और युद्धग्रस्त देशों में पत्रकारिता के हालात और भी ज्यादा खराब हैं। The President Sisi, who is currently in an official visit in Paris, is a president who wants to mummify journalists. He wants to gag them, to blindfold them. He wants them just to tell official versions, propaganda. Otherwise, they are put in jail, their media are taken over, there are new laws against them. It's impossible today to be an independent and free journalist in Egypt.
अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे के मुताबिक पत्रकारों के लिए दुनिया भर में जोखिम बढ़े हैं। काम के प्रति निष्ठा की वजह से 1992 के बाद कम से कम 1260 पत्रकारों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। सीपीजे के मुताबिक इस साल 1 नवंबर तक दुनिया भर में 52 पत्रकार या मीडिया कर्मियों की हत्या हुई। 2016 में 79 पत्रकार और मीडिया कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 2015 में कम से कम 100 पत्रकार मारे गए। काम करने के लिहाज से इराक अभी भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर सीरिया और तीसरे नंबर पर फिलीपींस है। इसके बाद सोमालिया, पाकिस्तान, अल्जीरिया, रूस, कोलंबिया और मेक्सिको हैं। 1992 से अब तक इराक में 276, सीरिया में 128, पाकिस्तान में 79 और भारत में 71 हत्याएं हुई हैं। इनमें कई मामलों में पुलिस हत्या का मकसद पता लगाने में नाकाम रही है। Not state government, but state in the broad sense, that is to say there is governmental and political support for killings. There's very little station house officer in a police station can do to actually proceed with the prosecution. The most important thing, as we have suggested, is to set up a national legal aid defense mechanism for journalists. दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, चरमपंथ और अपराध के बीच पत्रकारों के लिए मुश्किलों में लगातार इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पत्रकार तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के अलावा माफिया, अपराधी गुटों और सरकारी एजेंसियों के भी निशाने पर हैं। यमन में इस बरस 1 जून तक कम से कम 74 पत्रकार गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए, इनमें से 16 अभी भी जेल में हैं। मिस्र, चीन, सऊदी अरब, रूस और फिलीपींस जैसे देशों में सरकार की सख्ती के चलते खबरें देश के बाहर आ ही नहीं पाती हैं। करियर कॉस्ट 2016 नाम की एक रिपोर्ट में पत्रकारिता को दुनिया के सबसे खराब पेशों में से एक बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पत्रकारों को मिलने वाली तनख्वाह और सुविधाओं के मुकाबले जोखिम बेहद ज्यादा है। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। पत्रकारों पर हमले करने के कई तरीके हैं। हत्या और चोट पहुंचाने के बराबर ही खतरनाक है पत्रकारों की आवाज को दबाना। आजाद मीडिया लोकतंत्र की आवाज होता है। ऐसा जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त किस मुल्क में मीडिया कितना आजाद है, कहां ज्यादा खतरे हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था ने जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017 जारी किया तो इससे कई देशों को झटका लगा। इस बार फिनलैंड को पछाड़कर नॉर्वे चोटी पर पहुंच गया। स्वीडन दूसरे, फिनलैंड तीसरे, डेनमार्क चौथे और नीदरलैंड पांचवें नंबर पर। अगर बड़े और ताकतवर देशों की बात करें तो इस सूची में जर्मनी 16वें, कनाडा 22वें, फ्रांस 39वें, ब्रिटेन 40वें, अमेरिका 43वें, इटली 52वें स्थान पर है। तो वहीं जापान 72, ब्राजील 103, भारत 136, रूस 148 और चीन 176 पायदान पर मौजूद है। ये वो मुल्क हैं जिनका दुनिया भर में आर्थिक दबदबा कायम है, लेकिन सूची में कोई भी देश टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। यानी इस रिपोर्ट से ये साफ दिखता है कि मीडिया आजादी और बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में हालात बेहद गंभीर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के इंडेक्स में जो देश निचले पायदान पर खड़े हैं उनमें उत्तरी कोरिया, इरिट्रिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, चीन, वियतनाम, सूडान, क्यूबा और जिबूती शामिल हैं। इन देशों में या तो सेंसरशिप ज्यादा है या फिर मीडिया कर्मियों को खतरा ज्यादा है। ये देश पिछले साल भी लगभग इन्हीं पायदान पर थे। रिपोर्ट में मीडिया आजादी के हालात पर चिंता भी जताई गई है। इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। जिन देशों को काले रंग में रंगा गया है वहां मीडिया की आजादी बेहद खतरे में है। मध्य पूर्व के ज्यादातर देश और चीन को इस श्रेणी में रखा गया है। लाल रंग वाले मुल्कों की संख्या बहुत बड़ी है और यहां पर मीडिया के हालात बुरे हैं। भारत और पाकिस्तान समेत चीन और अफ्रीका के ज्यादातर देश इसी श्रेणी में आते हैं। गेहुआ रंग के देशों में हालात चिंताजनक हैं, जिनमें पूर्वी अफ्रीका के कुछ देश, लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश और पूर्वी यूरोप के कुछ मुल्क शामिल हैं।
अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत दक्षिण अफ्रीका को पीले रंग वाली श्रेणी में रखा गया है, यानी हालात यहाँ संतोषजनक हैं। सफेद रंग वाले देश मुट्ठी भर हैं, जहाँ मीडिया की आजादी को बढ़िया बताया गया। इनमें न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियन मुल्क शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये साफ दिखा है कि खतरनाक और बुरे हालात वाले देशों की संख्या बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। इस सूचकांक में भारत को 3 स्थानों का नुकसान हुआ है। भारत 2016 में 133वें स्थान पर था, लेकिन 2017 में मीडिया की आजादी के मामले में ये 136वें स्थान पर पहुंच गया। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मुल्कों की तादाद बढ़ी है जहां मीडिया की आजादी बदतर है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोकतांत्रिक देशों में इस आजादी पर खतरा बढ़ा है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इन मुल्कों में कड़े कानून, हिंसा और आपसी हितों के टकराव का खामियाजा मीडिया आजादी को भुगतना पड़ा है। मीडिया के चरित्र में आ रहे कई बदलावों को रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट ट्रुथ दौर, प्रोपेगेंडा और आजादी पर हमले ने लोकतंत्र के भीतर मीडिया का गला घोंट दिया है। लोकतांत्रिक देशों में मीडिया पर हमले की संख्या बढ़ी है। कई देशों में मीडिया को सरकार ने प्रचार का हथियार बना दिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौर में फर्जी खबरों के बढ़ते चलन को पोस्ट ट्रुथ दौर की मिसाल के तौर पर गिना गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और विकल्प के नाम पर झूठी सूचनाएं जनता के सामने परोसी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में भी ये चलन रफ्तार पकड़ चुका है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के दौरान मीडिया की भूमिका और फर्जी खबरों की भी इस रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इससे पहले जो देश बढ़िया और बहुत बढ़िया की श्रेणी में आते थे, उनकी संख्या 2.3% कम हो गई। इससे पहले लगातार 6 साल से इस इंडेक्स में शीर्ष पायदान पर रहने वाले फिनलैंड की भी आलोचना की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां के प्रधानमंत्री ने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। पोलैंड में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सेवा पर सरकार ने सीधे नियंत्रण कर लिया, नतीजतन वो सरकारी प्रचार के माध्यम में तब्दील हो गई। जर्मनी में सरकार ने पत्रकारों की जासूसी करने वाले के लिए खुफिया विभाग का सहारा लिया। न्यूजीलैंड में सरकार ने खबर देने वाले विसल ब्लोअर्स के लिए सजा का प्रावधान कर दिया। ये वो वजहें हैं जिनके चलते मीडिया की आजादी दुनिया भर में छिनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में खोजी पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है। मीडिया आजादी को लेकर रिपोर्ट में कई और भी चिंताएं जाहिर की गई हैं, जो बताती हैं कि मीडिया में आ रहे बदलाव ने इनकी साख गिरा दी है। झूठी खबरों और अफवाहों ने मिलकर एक समानांतर मीडिया का रूप ले लिया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। मामला सिर्फ पत्रकारों पर हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ जुबानी जंग भी दुनिया भर में चलती रहती है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया के बीच तनातनी का सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। दोनों तरफ से लांछन, आरोप और सवाल जवाब की झड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन अमेरिका में पत्रकारों और मीडिया पर सरकार की तरफ से हमले का वाकया कोई नया नहीं है। पहले भी कई दफा मीडिया पर सरकार ने कार्रवाई की और खुलकर आलोचना भी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। The fake media is trying to silence us, but we will not let them. डोनाल्ड ट्रंप ने कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार निचले स्तर पर पहुंचता जा रहा है। कई संस्थाओं का मानना है कि राष्ट्रपति जिस तरह मीडिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे अमेरिका में मीडिया की आजादी कम हुई है। फ्रीडम हाउस नाम की एक संस्था ने अप्रैल में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मीडिया की आजादी 13 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 2016 में अमेरिका की रेटिंग घटकर 23 पर पहुंच गई। 10 साल पहले 2006 में ये रेटिंग 16 थी। बीते एक दशक में सिर्फ 2010 ही इकलौता ऐसा साल है जिसमें अमेरिका में मीडिया की आजादी बढ़ी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मीडिया की अवमानना लगातार बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इतिहास में ये सबसे निचला स्तर है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट में अमेरिका की रैंकिंग लगातार कम होती गई। 2010 में अमेरिका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 20वें नंबर पर था, लेकिन 2015 में गिरकर 49वें स्थान पर पहुंच गया। 2017 में थोड़े से सुधार के साथ अमेरिका 43वें स्थान पर मौजूद है। मीडिया की आज़ादी पर अध्ययन करने वाली संस्थाओं ने इसके पीछे कई कारण गिनाए हैं। सरकार की तरफ से पत्रकारों को डराया धमकाया भी गया। CIA की खुफिया जानकारी लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडन और विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन सांजे के मामले में भी अमेरिका की आलोचना हुई। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक सरकार ने कई बार पत्रकारों की जासूसी की। संस्था के मुताबिक 2013 में बराक ओबामा सरकार ने एसोसिएटेड प्रेस के फोन रिकॉर्ड्स की जासूसी की। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर जेम्स रोजिन के फोन और ईमेल रिकॉर्ड्स निकलवाए। अल जजीरा पर नजरें रखें। CIA के पूर्व कर्मचारी जेम्स अलेक्जेंडर स्टर्लिंग के साथ बातचीत करने के चलते न्यूयॉर्क टाइम्स के खोजी पत्रकार जेम्स रिजन को पुलिस ने समन भेजने के बाद डराया और धमकाया। अमेरिकी संविधान भले ही मीडिया की आज़ादी के पक्ष में हो, लेकिन वहां पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का इतिहास काफी पुराना है। रिचर्ड निक्सन के दौर में जब वाटरगेट कांड हुआ तो मीडिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद मीडिया के प्रति सरकार का रवैया तल्ख हो गया। पत्रकार रॉबर्ट पेरी का आरोप है कि अमेरिकी सरकार सवाल उठाने वाले पत्रकारों के प्रति शुरू से ही सख्त रही है। उन्होंने इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे किए। 1976 में CIA की आलोचना में ओटिस पाइक की रिपोर्ट जारी हुई, लेकिन उस वक्त CIA के निदेशक रहे जॉर्ज बुश सीनियर ने कांग्रेस को इस बात के लिए मना लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसका प्रकाशित होना ठीक नहीं है। CBS न्यूज के पत्रकार डेनियल के हाथ रिपोर्ट लग गई और उन्होंने विलेज वॉइस में इसे छाप दिया। उन्हें तत्काल CBS न्यूज की नौकरी से निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता रेमंड बॉनर ने अल सल्वाडोर से एक सनसनीखेज रिपोर्ट की। बॉनर ने अल मोजोतो शहर में सल्वाडोर की सेना की तरफ से 1982 में हुए बड़े जनसंहार का खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि सेना को अमेरिका का समर्थन हासिल था। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इससे बुरी तरह खफा हो गए और न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह दबाव बनाया गया कि वो बॉनर को नौकरी से निकाले। आखिरकार बॉनर की नौकरी चली गई। कई साल बाद रेमंड बॉनर की बात सच साबित हुई और तब जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें फिर से नौकरी पर रखा। कई पत्रकारों का मानना है कि 2001 में 9/11 हमले के बाद पत्रकारों पर लगातार ये दबाव बना कि सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग की जाए। विदेश नीति के मामले में पत्रकारों को आलोचना करने से रोकने की कोशिशें भी हुईं। नोम चोम्स्की का आरोप है कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की आलोचना करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही कहकर पुकारा गया। जाहिर है मीडिया पर हमले का अतीत अमेरिका में काफी पुराना है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV।